वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। सो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं खुबानी की चटनी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। तो आप लोग, जैसा कि आपको बताया कि रमज़ान का महीना है, तो आप लोग इफ्तारी में समोसा वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है। तो पानी लिया मैंने 9 कप, खुबानी लेंगे हम लोग 1.5 कप। इसे हम लोगों ने पहले धो लिया और 2 कप पानी डालकर इसे भिगो के रख दिया था 4 घंटे पहले। तो अब ये एकदम साफ़ है, तो इसलिए हम लोग इसे पानी समेत ऐड करेंगे। तो 1 कप हम लोग लेंगे शक्कर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नीचे से फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे और इसके अंदर बॉयल आने देंगे। सो बस बॉयल आ चुका है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। तो चलिए मिलते हैं 25 मिनट बाद। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला नमक। तो हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए हम लोग पकाएंगे और फ्लेम मीडियम है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो बस 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। और ऐड करने से पहले हम लोग फ्लेम बंद कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं ब्लेंड करने के बाद। सो बस इसे हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो बस इसे दोबारा से किसी भी पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो नीचे से फ्लेम हम लोग लिखेंगे मीडियम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर 1 कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि 100 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे और फिर हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप पानी, जो हम लोगों ने बचा के रख दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तब तक कि हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। सो व्यूअर्स, चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो अभी एकदम रेडी है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारी चटनी ठंडी हो जाएगी। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी, हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।